दिवाली मतलब अब तो सीधा मिलेगा 105 दिन के बाद ही हमें, मतलब ऐसे का थोड़ी देर अगस्त में, मतलब ठीक है ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। लंच और आज लंच में बने हैं छोले चावल, फटाफट खा लेते हैं। दीदी ने बनाया खाना क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है ना अभी। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम शिवानी एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, राइट नाउ आई एम इन गुरुग्राम, अनमोल के घर पे आई हूं। कल इवेंट हो गया तो उसके बाद आज सुबह लेट उठे क्योंकि मतलब रात को थक से गए थे शाम को, एक तो ट्रैफिक में फंसे हुए थे। हाँ जी बोलो, बात छुप रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो एनीवेज अभी लाइक अनमोल हो रही तो अभी घर आए नहीं, थोड़ी देर में मे भी आने वाला है, तो थोड़ी देर में वो आएगा, फिर उसको आगे भी काम है। एनीवेज उसके बाद आज कहीं जाने का प्लान नहीं है। पहले मैंने सोचा था घर आज ही चली जाऊंगी, इट्स 8th of April सैटरडे, बट आज ना जाके मैं घर कल जाऊंगी बिकॉज कल संडे ही है। तो मैंने सोचा चल एक दिन और रेस्ट मारते हैं, है ना। और पार्थ भी कह रहा था कि मासी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अकेले अकेले रात को पार्टी कर ली, शर्म आ रही है, बोर के अभी तो मजा आए, इतनी लेट आया है और आज भी जा रहा है। कब आएगा? मतलब कहने का मतलब 10-11 बजे के, तेरे 8:30 मतलब 10-11, मतलब अब तो सीधा मिलेगा 105 दिन के बाद ही हमें, मतलब ऐसे का थोड़ी देर अगस्त में, मतलब ठीक है ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। बाकी शायद मैं कल चली जाऊंगी तो कल ही मिलेंगे। लाइटें बंद करी जा रहा है, कह रहा है व्लॉग नहीं बनाना। क्यों नहीं व्लॉग बनाना? पहले लाइट जला, सारी जलाओ, सारी 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 कहाँ जली, सिर्फ ये जली है, बड़ी वाली लाइट जलाओ, जल्दी जलाओ। शर्मिला पार्थ येलो, मेरी आईज बंद है तो पार्थ मुझे कोई बुक दिखाने वाला है, देखते हैं कौन सी बुक होने वाली है वो। टू जल्दी दिखाओ, जल्दी इधर आके दिखाओ ना, वहां से दिखने दी। 1 2 3 एक और है, 1 नहीं ये क्या है, जल्दी दिखा दे यार, क्या होता है, मासी हूँ मैं। अबो का मैं चार डालूंगी, देखो तो ड्राइंग भी नहीं आती अच्छे से करनी। वो तेरी स्टार लेकर आया है, वो दिखा रहा है। अच्छा जी, बाकी तो कुछ करा ही नहीं हुआ, मैंने करा ही नहीं हुआ। अच्छा अभी न्यू सेशन है ना, पर सही है, पहले दिन स्टार ले आया पार्थ तो। ये देख, ये भी तो ड्राइंग बुक का, ये देखा, इसमें नहीं बना, इसमें भी स्टार। अरे वाह, देख ना बड़े से औरत, ठीक है, अंगूर नहीं ये वाला, बड़ी ओ से औरत, बड़ी से औरत, अंगूर से अंगूर, अगर खाली बचो तो खाली। फाइनली आज घर जा रही हूँ, कल कुछ भी शाम को कहीं गए नहीं थे तो मैंने इतना कुछ व्लॉग शूट किया नहीं, और अभी जस्ट केशव को बुला रही हूँ, वॉल्वो चेक करी थी मैंने तो वॉल्वो में ही जा रही हूँ। 12 बजे की है यहाँ से, इट्स 11 इन द मॉर्निंग, और निकलते हैं फटाक से और पहुँचते हैं अम्बाला, मुझे घर जाना है। बाकी पार्ट सैड है मेरे जाने से, अनमोल को अभी सो ही रहा है तो मैंने उठा के उसको डिस्टर्ब नहीं किया, रात ही मिल ली थी। बाय पार्थ, ला ला। पता कर लिया अम्बाला की जो वॉल्वो है वहाँ पे खड़ी है, मतलब चंडीगढ़ जाएगी तो वहाँ से लेंगे। बाकी केशव मुझे छोड़ने आया था, इसको बाय बाय बोल देती हूँ क्योंकि बस वॉल्वो मतलब वहाँ लगने में अभी 15 मिनट लगेंगे, तो ये क्यों वेट करेगा, ये घर चला जाएगा तब तक। जी टाटा जी बाय बाय, मेरी बस आपके पीछे खड़ी है बिल्कुल, देख उस बस में जाना है मैंने, वो वॉल्वो खड़ी है, बैग उतार दो, इधर से इधर से इधर से, रुक जा रुक जा रुक जा, शाबाश, चलो जी ओके टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। बस बस सीट नंबर 1 ही मिली है, बिल्कुल आगे ही मिली है सीट, तो देखते हैं 15 से 20 मिनट के बाद निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी ठीक है यार, अगर दूसरी बस में जाती तो बहुत खज्जल होने वाली बात थी रोडवेज में, क्योंकि गर्मी बहुत एक्सेस में हो रही है, तो एटलीस्ट कम्फर्ट जोन में जा तो सकते ही हैं। देखते शाम कितने बजे तक पहुँचती है, 12 बजे चलेगी तो 7:30 का टाइम भी भरा, मतलब देख रहे हो गाँव से अगर हम उत्तराखंड गाड़ी में जाते हैं तो कितना कम टाइम लगता है, इधर उधर 6-7 घंटे, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एनी वेज सर, अपने अपने
फाइनली बस चल पड़ी है। बस हमारी अभी पूरे 12 बजे ही चल रही है।